पाठ आहुति आप देंगे और फिर उस मंगलसूत्र को और सियार सिंगी दोनों को 7 बार हवन की जो चिता है आराम से गुरु जी के पास आओ, डायरेक्ट बात करो और डायरेक्ट काम करवाओ। ऑनलाइन में कोई वो नहीं है, और ऑनलाइन भी करा सकते हो, ऑफलाइन भी करा सकते हो। जय माँ भद्रकाली, जय त्रिकाल देव। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित सुरेश भाई शास्त्री गुरुजी एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ब्लैक मैजिक वशीकरण गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि कोई लड़का या लड़की आपको शादी करने से मना कर रहा है तो उसको वश में कैसे करके उसको शादी के लिए उसके और उसके परिवार को किस प्रकार से आप राजी कर सकते हैं, इसके लिए शमशान में दोस्तों शुक्रवार या अमावस्या की रात्रि को ये साधना आपको करनी है। इस साधना को करने के लिए दोस्तों आपको ज़रूरत पड़ेगी 2 सियार सिंगी की। 2 सियार सिंगी को एक मंगलसूत्र में इस प्रकार से आपको बांध देना है। एक कोई इमिटेशन ज्वेलर से मंगलसूत्र लेके आ जाइए और उसके ऊपर इस प्रकार से आपको लेफ्ट हैंड के अंदर मंगलसूत्र और सियार सिंगी दोनों को इस प्रकार से दबाना है और माँ भद्रकाली से और काल भैरव से प्रार्थना करना है और शमशान की देवी माता मशानी से साधना करने के लिए माता मशानी को आप इस प्रकार से आप इस साधना करेंगे। इस साधना को करने के लिए दोस्तों आपको कुछ पुष्प हाथ में लेकर माता मशानी काल भैरव माँ कामाख्या देवी का नाम लेके संकल्प लेना है कि आज शुक्रवार या अमावस्या अमुक वार अमुक नक्षत्र में जो मैं साधना करने जा रहा हूँ ये साधना शमशान की सफल और सिद्ध हो, और शमशान में कुछ पुष्प छोड़ना है। जिस दिन ये साधना करेंगे उस दिन कौन सा वार है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सी तिथि है वो बोलना है, और उसके माता पिता का नाम। यदि लड़का नहीं मान रहा है तो लड़के के माता पिता का नाम, और लड़की अगर शादी के लिए नहीं मान रही है तो लड़की के माता पिता का नाम लेकर आपकी कुल देवी की इसमें जरूरत पड़ेगी। आप जिस आपके आराध्य जिस देवता को आप मानते हैं उसके नाम की 5 अगरबत्ती जलाएंगे ताकि वो अपनी साधना में सहायता कर सके। आपके कुल देवी देवता की नाम से 5 अगरबत्ती आपको इस प्रकार से जलाना है और इस प्रकार से 5 अगरबत्ती को इस प्रकार से घुमाना है मंगलसूत्र के ऊपर और बोलना है हे मातेश्वरी ये साधना में हमारी सहायता करो, और फिर बाद में 5 अगरबत्ती आप शमशान में कर दीजिए। करने के बाद में आपको आहुति देनी है, जो मैं मंत्र बताता हूँ वो मंत्र इस प्रकार से हैं। ओम नमो काल के काल रूप रक्त बीज नाशिनी मम लग्न योग कामना पूर्ति कुरु कुरु स्वाहा। इसमें अमुक जहाँ मैं बोलूँ वहाँ अमुक जहाँ जिसको लग्न शादी के लिए प्रिपेयर करना है उसका नाम, उसके माता पिता का नाम, उसका जाति गोत्र सब बोल सकते हैं। मंत्र इस प्रकार से हैं, ओम नमो काल के काल रूप रक्त बीज नाशिनी अमुक स्त्री उसके माता पिता मम लग्न योग वशीकरण कुरु कुरु स्वाहा। वापस देख लीजिए मंत्र, ओम नमो काल के काल रूप रक्त बीज नाशिनी अमुक स्त्री उसके माता पिता जाति गोत्र मम लग्न योग वशीकरण साधना कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से 108 आहुति आप देंगे और फिर उस मंगलसूत्र को और सियार सिंगी दोनों को 7 बार हवन की जो चिता है, चिता के ऊपर जो आप अग्नि जलाई है उसके ऊपर 7 बार घुमाएंगे और इन सब को ले जाकर आपको किसी भी पीपल का वृक्ष हो वो पीपल के वृक्ष के 2 पत्ते आप लेंगे और दोनों पत्तों पर आप दोनों का नाम लिखेंगे, और उसके पीपल के पत्तों के ऊपर नाम लिखने के बाद उसमें सुहाग की जो भी निशानियां हैं, चूड़ी कांच लिपस्टिक कंगी जो भी सुहाग की चीज़ें हैं उस दोनों पत्तों के बीच में पहले ये चीज़ें रखेंगे और
फिर सुहाग की सब निशानियाँ लिखेंगे और दोनों दोनों को पत्तों को आपस में लाल धागे से बांधकर उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आपको गाड़ देना है। तो आपका सात फेरों का वचन सफल हो जाएगा। आप दोनों को कोई अगल आप दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा। ये साधना सफल है, सिद्ध है, आजमाई हुई है। आप करके देखें, आपका 100% इच्छित जीवन साथी की प्राप्त होगी, उसी के साथ आपका विवाह होगा। ये मेरा चैलेंज है। ये साधना आजमाई हुई है, सफल है, सिद्ध है। दोस्तों, इस प्रकार से यदि आप घर बैठे कोई भी तंत्र क्रिया सीखना चाहते हैं या हमसे काम करवाना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट पर कॉल करें। हमारी प्रमुख शाखा दिल्ली और सूरत है और उसके अलावा बॉम्बे, बेंगलोर और मुंबई में भी हम पुणे में भी हमारी शाखाएं हैं, वहाँ से भी आप काम करवा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, यदि हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप घर बैठे अच्छी से अच्छी साधना सीख सकें और आप भी एक सफल तांत्रिक बन सके। धन्यवाद, नमस्कार।